अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल करते हैं, क्या खैरियत से वगैरह मर रहा है, क्या आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखा। मेरा नाम मोहम्मद ईको, मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जो बाइडेन बोले दिवाली आई है जश्न का इंतजाम कीजिए। जश्न हो, ये तो गुजराती हो, क्या जश्न हो, अमरेशपुरी सर। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्शन कर देंगे, कॉर्नर करते हैं 3-2-1 वीडियो का। नाउ इन द टाइम Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. Diwali ko is waqt dosto 1 billion se zyada jo hai log celebrate kar rahe hain. Kisi country mein to 5 din ka festival hai. Happy Diwali. Agar hum America ki baat kare, super power ki baat kare, to hum dekhte hain ki Joe Biden jo hai aaj Diwali White House mein manate hain. दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है। आज सब लोग दिवाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा जो है वो ईद की बात नहीं कर रहा। ब्रिक्स में इंडिया ने अपोज किया पाकिस्तान को, दिस इज व्हाट द न्यूज इज जो आ रही है पिछले दो एक। मेरी अभी कोई तफसीली बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान को इस दफा नहीं ना दावत थी, ना शमूलियत थी, ना जिक्र था। और जितने भी इंडियंस अमेरिकन्स हैं उनसे कहते हैं कि व्हाइट हाउस भी आपका है और साथ साथ आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और इसके अलावा वही रंगोली वाला वो मुझे सबसे अच्छा लगता है उसमें। आपका जो दीन है वो अमन वाला दीन है, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है, ठीक है, हर बंदा आपसे इंस्पायर है, हर बंदा आपको फॉलो कर रहा है। गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, चॉकलेट्स देते हैं। देखिए उनके ड्रेसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़े ही कोई अच्छे होते हैं, कलरफुल से ट्रेडिशन, और वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो भी करते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रेंजर्स को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है और कहा है संभल जाओ असी आ रहे हैं। भाई नमस्ते, और आप हैप्पी दिवाली तमाम हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितनी में जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, तो हैप्पी दिवाली। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इस वक्त पूरी दुनिया में दिवाली की धूम है, करीब 160 से ज्यादा देशों में दिवाली मनाई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो भारत की संस्कृति आज सभी देश अपना रहे हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में भी दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूल बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम करने वाले दिलीप चौहान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल की दिवाली स्पेशल है, इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क के स्कूल दिवाली के मौके पर बंद रहेंगे, स्कूलों में शुक्रवार 1 नवंबर को दिवाली की छुट्टी रहेगी। चौहान ने कहा न्यूयॉर्क में ऐसा फैसला लेना आसान नहीं था, यहाँ कुल 11 लाख छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के कई नेताओं ने कुछ साल पहले से ही इसे लेकर मूवमेंट शुरू किया था, उनकी मांग थी कि ऐसी छुट्टी होनी चाहिए, अब जाकर इसे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने स्वीकार कर लिया है। दिवाली को इस वक्त दोस्तों 1 billion से ज्यादा जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी कंट्री में तो 5 दिन का फेस्टिवल है, भारत के अंदर भी एक इस फेस्टिवल को बहुत जोरों शोर से मनाया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, सुपर पावर की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो बाइडेन जो है आज दिवाली व्हाइट हाउस में मनाते हैं, और जितने भी इंडियंस अमेरिकन्स हैं उनसे कहते हैं कि व्हाइट हाउस भी आपका है और साथ साथ आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, दुनिया को आप सबकी जो है इंडियंस की ज़रूरत है, और वो दिए जलाते हैं, खुशी मनाते हैं। साथ साथ अमेरिका ने आज जो है छुट्टी का भी ऐलान कर दिया कि ऑफिशियल हॉलीडे है जी, क्योंकि दिवाली है। इंडिया का कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है, जो कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई सनातनी है, लेकिन जहां पे बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहां पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। देखें, बहुत बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान जो है ना, बहुत बड़ी जमहूरियत है पूरी दुनिया में, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मज़हब है, इतने मज़हबों को लेके चलना, इतने लोगों को कंट्रोल करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के देखें 4 सूबे 5 सूबे हैं, तो ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, 4-5 यहाँ मज़हब है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ तो मेरा ख्याल 50 क्या 500 से ज़्यादा मज़हब है, इतने लोगों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। और ये ही इसी चीज़ से इंडिया पूरी दुनिया इंस्पायर हो गई है कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा अमन वाला दीन है कि ये हर यहाँ पे ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है,
ठीक है, सादा, और सबसे ज्यादा मजे की बात है कि सादा जिंदगी गुजारते हैं हिंदू, अपने कल्चर में रहते हैं ना। देखिए बाहर जाते हैं अपनी सलवार कमीज कुर्ते में ही जाते हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं है मोदी जी के पास? हाँ, क्या थ्री पीस सूट नहीं पहन सकते हैं? मगर वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना। हाँ, हमारे तो वहाँ पे वो उन्होंने सादे कपड़े पहने होते हैं और हमारा थ्री पीस सूट पहन के गया होता है और उसको कम्फर्टेबल भी नहीं होता, वो कम्फर्टेबल भी नहीं होता और फिर भी वो उसको वो पहनता है कि जी उनको खुश करने, अबू जी को खुश करने के लिए, कि हमारे अबू जी खुश हो जाएं कि हमारे कपड़े कल्चर फॉलो कर रहा है। हाँ, तो जो वजीर आजम अपना कल्चर खुद नहीं फॉलो करेंगे जो मुल्क, तो वो कैसे तरक्की करेंगे? तो हिंदुस्तान का यही राज है अमन की। देखें अब भी कोई भी यहाँ हम गैर मुल्की, अभी सही का इजलास हुआ है, कितने SCO हुआ है, इजलास हुआ है, 100-200 मुल्क यहाँ पे आए हैं, उनके वजीर आए हैं, मुशीर आए हैं, कितने लोग लाए, हज़ारों लोग आए हैं। तो उनको तो बेचारों को पाकिस्तान का कल्चर नहीं पता ना, वो तो सारी इस्लामाबाद एक किले में बंद रहे, ना वो किसी अवाम से मिले, ना किसी शहर में गए, ना उनको कुछ पता है कि वो क्या देखते, ना उनको पाकिस्तानी का कल्चर पता है। उनको तो यही पता है, जस्ट देखें ना, जो दिखता है वही नज़र आता है ना, वो ये सोचते होंगे शायद अवाम भी ऐसी है, अवाम भी ऐसी खुशहाल है, अवाम के पास भी ऐसी गाड़ियाँ हैं, ऐसी प्रोडक्ट जिसके वज़ीर आज़म के पास हैं, तो ज़ाहिर है अवाम के पास भी होंगी। तो लिहाजा वो अपना कल्चर हर जगह पूरा शो करते हैं वो इंडियन, इसीलिए देखें सच्चाई जीतती है हमेशा, सच जीतता है, झूठ नहीं जीतता। आप किसी के कपड़े पहन के जाओगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होगे, हम अपने कपड़ों में जाओगे तो फिर आप कामयाब होगे। बिल्कुल ऐसे ही हो। और दिवाली का जो फेस्टिवल है ये भी कहते हैं कि जो है अब भगवान राम जब जो है रावण को शिकस्त दे के वापस आए थे, तो अयोध्या के अंदर ये जश्न मनाया जाता है। और इसका बहुत खूबसूरत मैसेज है कि बुराई जितनी मर्जी पावरफुल हो, उसको एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, और जो जीत है वो सच्चाई की है। अंकल अकबर, हम यहाँ पर आपसे ये भी बात करेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी देखिए दिवाली मनाई जा रही है, वाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जा रही है, तो इंडिया का जो कल्चर कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। हर कंट्री जो है इंडियन कल्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसी रंगों में आपको लोग नज़र आएंगे, दिवाली मनाते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आएंगे, तो इंडिया ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। देखें जब भी इंसान किसी चीज़ सच्ची राह पे चलता है, आप देखें उन्होंने दिवाली मनाते हैं इसलिए की खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं हैं, हम तो शैतान पैदा करते हैं, ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान ने रोज पैदा करते हैं, हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? अभी आप देखें पठान कल्चर को देखें, पठान का भी किसी को मार के आता है तो जश्न मनाता है कि ये खुशी करता है कि मैंने बुराई ख़त्म कर दी है, एक बंदा नुकसान दे रहा था मैंने उसको मार दिया, जश्न करता है। इसी तरह जश्न मना रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि आप भी जश्न मनाओ भाई, किसी बुराई को ख़त्म करो, पाकिस्तानी भी किसी बुराई को ख़त्म करो, अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करो, अपने मुल्क में से गंदे सियासतदान ख़त्म करो, गंदे बैरोक्रेट्स ख़त्म करो, गंदे लोग ख़त्म करो, उनको सीधी रास्ते पर लाओ या जेल में डालो, फिर आप भी जश्न मनाओ, फिर आप भी पार्टी करो। जो अब मोदी जी है वो अपने मुल्क में रहता है, अपना कल्चर हर जगह दिखाता है, इसीलिए उसका मुल्क भी साफ है, अवाम भी उसकी ठीक है। जहाँ पे अभी देखें कश्मीर में मोदी को वोट नहीं डले, तब भी उसने उनको को बुरा नहीं कहा, तब भी उसने कहा ठीक है आपने वोट नहीं दिए। यहाँ तो कोई नवाज शरीफ को वोट नहीं देता, उस हल्के में वो लोग जाते नहीं है, बिजली काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, अवाम को तंग करते हैं कि भाई अभी देखें ना KPK में इनकी हुकूमत नहीं है, KPK को ये कुछ भी नहीं दे रहे, शहबाज शरीफ ना कोई दौरा कर रहा है KPK में, ना फाटा में जा रहा है, कुछ भी नहीं दे रहे। चलो जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, पुरानी यादें ताजा नहीं होगी, ये अंग्रेज पिछले बात है सच होगी। पिछले साल भी ना जो बाइडेन ने इसी तरह ही जो हमने सुना ना, उन्होंने कहा कि जश्न हो तो इंतजाम किया जाए, ये तो ठाकुर ने कहा था जश्न हो इंतजाम करो, याद है आपको डायलॉग? जश्न तो भाई हो गए और वाइट हाउस में देख लो भाई उनकी दिवाली की खुशी मनाई जा रही है, कर रहा है किंग जोंग और रशिया मिलके, अच्छा वो जश्न का इंतजाम कर रहे हैं अमेरिका के लिए, तो वो देखते हैं कब तक वो शुरू होगा। बाकी भाई तमाम भाइयों को भाई हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और खुशियां, ढेर खुशियां लेके आए। कल भाई साहब दिवाली का दिन है, तो साफ जाहिर है भाई पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। और जिस तरह इस वीडियो में हमने देखा कि भाई जो लोग है पाकिस्तान के जो पब्लिक है इंटरव्यू दे रही थी,
कि भाई ये बड़ी बात है कि भाई इतने ज्यादा मजाब के लोगों को लेकर साथ चलना ये कोई आम बड़ी बात है भाई, सबको कंट्रोल करना। 160 मुल्कों में दिवाली मनाई जाती है और सबसे बड़ी बात है जो इंडिया की जो अपने आप में प्रमोट हुआ, वो जहाँ भी जाता है वो अपना कल्चर आप जो मर्जी कर ले, आपकी जबान है ना वो आपके दिल में नहीं। इंडिया ने इस मामले में हम पीछे हो गया सॉफ्टवेयर अपनी दुनिया इन चीजों में दुनिया जो है भाई एक जब कल्चर होता है ना जो कंट्री कल्चर में रिच होता है तो उसकी वजह से दुनिया चाहती भी है। और कितने ज्यादा जो फॉरनर है वो इंडियन त्योहारों के ऊपर आते हैं जो ज्यादा होली दिवाली में तो लाजमी त्योहार देखने अगर उन्होंने खूबसूरती देखनी तो पूरे यूरोप स्विट्जरलैंड थोड़ी चीजें पड़ी जो नेचुरल ब्यूटी वो इधर भी बहुत मैंने कहा देख नहीं रहा था मैं हैरान हो गया था। हाँ। लेकिन बात वो इनके कल्चर जो त्योहारों पे लोग आते हैं ना बड़ी तादाद में आते हैं। असल में अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करें वो इधर मिल जाती है, इतने पुराने मंदिर हैं कैलाश मंदिर अगर तुम देखोगे ना तुम्हारी हैरत गुम हो जाएगी ये इन्होंने बनाया कैसे। अब यकम को तमाम जो मेरे भाई हिंदुस्तानी भाई सब को दिवाली बार बार हमारी तरफ से मुबारक यकम और नवंबर को दिवाली और सबसे बड़ी बात पूरे न्यूयॉर्क में कल हॉलीडे तो बाइडेन ने छुट्टी किया ऐलान किया है कि आप सारे आए जितने इंडियंस हैं सारे आए अपना व्हाइट हाउस में मैं उनके साथ दिवाली ये है कंट्री की और कंट्री के लोगों की इज्जत ये बनानी पड़ती है खुद ऐसे ही ना वो शेर एक बार का खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो भाई साहब खुद को इतना ही इम्पोर्टेंट बना लो कि दुनिया का भाई आपके बगैर गुजारा ही ना। हाँ जी जो आज चल रहा है भाई साहब इंडिया की दुनिया को जरूरत है और वो कैसे है भाई ये सबको ही पता है। तो ठीक है भाई और भाई दिवाली जो होती है ये श्री राम ने जिस तरह वीडियो में बताया गया है कि श्री राम ने रावण को हरा के आए थे जब वो वापस आए थे उस वक्त उनका दियों के साथ जो है ना मिट्टी से दिया था उसमें वो सरसों का तेल डाल के वो जलाते थे उसके साथ ना अयोध्या वालों ने स्वागत किया था रोशनी आ गई हमारे ऊपर से अंधेरे खत्म हो गए अच्छा वक्त शुरू हो गया तो उनकी उनका स्वागत किया गया था। और आज भी अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो वो एक एरिया में अयोध्या में मैं कहता लाखों की तादाद में दिए जलाते और कई मन टनों के हिसाब से तेल लगता है बिल्कुल। तो ठीक है भाई अपनी ना रुकता ही का कमरता है जिसमें मिलते नहीं मिलेगी साथ तब तक के लिए इजाजत दे अल्लाह।